आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। इंडिया आपकी कंट्री का नाम क्या है? क्या बस आपका नाम बताओ? दिलीप। किस क्लास में पढ़ते हैं? पापा का नाम क्या है? कहाँ पे रहते हो? मुंबई। कहाँ पे रहते हो? बलाना। इसको बलाना बोलते हैं क्या लोग? बलाना। किस क्लास में पढ़ते हो? क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? नेम बनाया कुछ करना चाहते हो जिंदगी में? करना चाहते हो हासिल? आपने दिखाया एम से आपको एम इन लाइफ को क्या होता है? एम मकसद, जिंदगी का मकसद क्या बनाया? मकसद क्या पास क्या बनना है? क्या हो? ओह वेरी गुड। क्या है प्रोग्राम ये तो था, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ था, और जो यहाँ के फलाना के जो निवासी हैं, खासकर सरपंच साहब और हेडमास्टर साहब, वो सर हैं और बाकी जो भी हैं, दीगर जो भी हैं हमारे ऑफिसर, तो ये इंटरेक्टिव सेशन मुझे हमेशा याद रहेगा लाइफ में। एंड इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ, थोड़ा सा ये है कि एड ऑन हुआ प्रॉब्लम्स फेस बाय कॉमन मैन। ये मैं भी एक कॉमन मैन था पहले, लेकिन मतलब इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा आपके लिए बता रहे हैं, बच्चों के लिए। तो ये नाम के बाल मीटिंग बाहर करेंगे वहाँ। देखिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, आपको लाइफ में क्या रहना है? स्मार्ट रहना है। स्मार्ट ही ऐसे हमें देखना है, वो स्मार्ट नहीं ब्रेन से स्मार्ट करना, सभी को जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट, एवरी बॉडी शुड बी स्मार्ट। और आप मतलब जो है लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या क्या बोला? पॉजिटिव एटीट्यूड और एम इन लाइफ आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और आपने टीचर्स को हमेशा रेस्पेक्ट देनी है। क्या रेस्पेक्ट होती है? You respect, take respect. ऐसे नहीं मिलती है रेस्पेक्ट कर दिया, लेकिन जो दूसरों को रेस्पेक्ट देगा उसको रेस्पेक्ट ऑलमाइटी देता है। ठीक है, इसलिए आपने वो एक पॉजिटिव एम के साथ लाइफ गुजारनी है, और आपने आगे जाने को यहीं नहीं रहना, बस मुझे यहीं देखा, ऐसा नहीं, बहुत आगे जाना है आपने। लाइफ इतनी नहीं है, 68 में बताना ये ना, इतनी लाइफ नहीं है। ये फेजेस होती हैं, इसमें बोलते हैं फेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, और हर फेज को आपने एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कोई होता है यार क्या बनेगा, फेल हो गया, मैथ्स नहीं आता है, ये नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, कोई इशू नहीं। आज आपके पास गए मोबाइल फोन, ये वाला है, मेरे पास भी मोबाइल, ये जो है ये इसमें गूगल एक है, गूगल ना, गूगल उसको बोलते हैं, गूगल गिव्स आंसर टू एवरी क्वेश्चन। क्या बोला मैं? गूगल के पास हर एक चीज का आंसर है। बलाना किस जगह में है तो आप गूगल करेंगे ऐसे, आई विल शो थोड़ा सा ऐसे करेंगे, हम थोड़ा सा बचाएंगे, थोड़ा सा अवेयर करेंगे रिगार्डिंग डिजिटल इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये डिजिटल वो जो स्कीम है, पैन डिजिटल इंडिया जो है वो क्या है? एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिससे वो मतलब जो है आपके पास जैसे 5G इट हैज बीन लॉन्च्ड, फिफ्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट, ये आपको पता होना चाहिए। 4G हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें 4G फोर्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट, ये फिफ्थ जनरेशन हैज बीन लॉन्च्ड इन सर्टेन सिटीज ऑफ इंडिया, है ना, और यूटीज में भी अब लॉन्च हो जाएगा। हमारे जे एंड के जैसे यूटी नाउ, यूटी यूनियन टेरिटरी,
यहाँ भी आपके पास 5G लॉन्च हो जाएगा और आप 5G यूज कर सकते हैं। उसमें के डाउनलोडिंग स्पीड उसमें बहुत ज्यादा है ना, और बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन है उसमें, करेक्टर्स अच्छे हैं उसके, सिक्योर है, फास्ट है, इज वेरी फास्ट, डाउनलोडिंग स्पीड इज वेरी एंड इट इज सिक्योर, ठीक है। और आपके 5G मतलब जो सपोर्ट करेगा उस टाइप के आपने मोबाइल फोन आपने रखने हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स जो है रखना है बच्चे को। क्यों? क्योंकि आज आप मैंने बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसे व्हाट्सएप, जैसे देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसमें हम जाएंगे ऐसे करेंगे, व्हाट इज वेयर इज बलाना लोकेटेड, ये देखिए आप, ये वॉइस मैसेज करता है क्या, वॉइस, इसको बोले वॉइस मैसेज, वॉइस से अगर जिसको टाइप नहीं आता है आप इसमें डायरेक्ट वॉइस मैसेज उसमें डाल सकते हैं और आपको ये आंसर देगा वहां से, है ना। आंसर क्या है देखो, आपको ये गूगल में हमने डाला है, गूगल में ये वाला ऑप्शन होता है, इसमें ये वाला, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, वेयर इज बलाना लोकेटेड,